नमस्कार साथियों, स्प्रेडिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप देख ही चुके हैं कि पिछले बार भी दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि एक शेयर का जो Q4 का एनालिसिस किया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ, मतलब अच्छा सटीक साबित हुआ दोस्तों। और शेयर में बहुत अच्छा उछाल, 10% उछाल देखने को मिला दोस्तों। और आज के दिन भी दोस्तों, जो मैंने 15 तारीख का जो एक दिन पहले वीडियो के माध्यम से एनालिसिस किया था कि रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं Q4 रिजल्ट्स, तो वो एनालिसिस भी दोस्तों यहां पे बिल्कुल सही साबित होता दिख रहा है। और आज के दिन दोस्तों ये जो स्टॉक है ये 10% प्लस ऊपर भागा दोस्तों, और मार्केट क्लोज होते समय ये 8.5% के आसपास बंद हुआ, ठीक है। और इसी वजह से दोस्तों मैं बोलता हूँ कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कम सब्सक्राइबर देख के आप दोस्तों झिझक में सब्सक्राइब नहीं करते हो और ऐसे अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री कंटेंट है, आपको कोई इससे नुकसान नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अल्टीमेट डिसीजन बाय सेल का वो दोस्तों आपके हाथ में, कोई मैं बाय सेल रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। इसी वजह से आप बेझिझक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नॉलेज गेन कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए स्टॉक के ऊपर चलते हैं। दोस्तों हम स्टॉक के ऊपर आ चुके हैं, देख सकते हैं तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, और माफ़ कीजिएगा मैं 8.5% बोल रहा था, यहाँ पे 9.5% दोस्तों आज ये क्लोजिंग हुआ है। और ये दोस्तों 10% के ऊपर तक ये दोस्तों स्टॉक प्राइस गया था, मैं इसे मॉनिटर कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो 5-day रिटर्न है वो भी 9% है, और 1-day रिटर्न देखो तो वो भी 9.30%, मतलब कि दोस्तों आज के दिन ही ये स्टॉक रॉकेट बना है, और Q4 रिजल्ट्स, अच्छे Q4 रिजल्ट्स के वजह से ये स्टॉक आज के दिन रॉकेट बना है। और ये तेजी दोस्तों आने वाले दिन में भी आपको हो सकता है देखने को मिले, लेकिन दोस्तों जनरली क्या होता है ना कि इतनी बड़ी तेजी एक बार आ जाता है तो उसके बाद थोड़ी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये जो स्टॉक है थोड़ा सा नीचे जाए, लेकिन उसके बाद फिर से ऊपर जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। इसीलिए मैं दोस्तों बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, तभी दोस्तों ये अपॉर्चुनिटीज़ जो भी एनालिसिस का अगर आप फ़ायदा भी लेना चाहो, कोई भी डिसीजन जो कि आप अपना रिसर्च पे अगर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहो तो कर सकोगे, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा तो ही आप इसका लाभ ले पाओगे। इसी वजह से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों ये कंपनी क्या करती है, तो दोस्तों ये जो कंपनी है ना ये रेलवे का वैगन बनाने का काम करती है, ठीक है। इसका मेन बिजनेस रेलवे वैगन है, ठीक है, और जो पैसेंजर कोचेज है उसमें भी ये एंट्री ले रही है, और भी बहुत सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस है दोस्तों जो रेलवे से रिलेटेड ही है, तो उसके लिए आपको इसके वेबसाइट पे जाना होगा तभी आप इसको प्रॉपर जान पाएंगे, ठीक है। और इसका मार्केट कैप देखें दोस्तों, तो ये देखिए मार्केट कैप इसका 16,500 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। पी रेशियो देखें तो 60 के आसपास इसका पी है, 59 है, ठीक है। तो जो भी दोस्तों अच्छा स्टॉक जो फ्यूचर डिमांडिंग स्टॉक होता है उसका पी जनरली आपको थोड़ा हाई देखने को मिलता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता है दोस्तों। और मैक्स रिटर्न्स देखें तो 158%। तो दोस्तों ये स्टॉक जो लिस्ट हुआ है ये पिछले साल ही लिस्ट हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं, ये देखिए तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ इसे लिस्ट हुए, लेकिन बिजनेस इसका लिस्टिंग से पहले से है, ठीक है। इससे पहले भी दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको एनालिसिस किया था Q4 रिजल्ट्स के बारे में, माफ़ कीजिएगा Q4 रिजल्ट्स नहीं, जो डिप पे बाइंग जो अभी क्रैश आया था, ठीक है, वो क्रैश पे दोस्तों कौन से स्टॉक अच्छी रिकवरी दे सकते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो लाया था, ठीक है, आज से 3-4 दिन 5 दिन पहले का वीडियो होगा, आप देख लेना। तो वहाँ पे भी दोस्तों 10% की तेज़ी देखने को मिली थी, ठीक है, आज के दिन वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन दोस्तों आगे और भी शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।